ऑल राइट, नमस्कार, स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आप सभी को पता है पूरी दुनिया में क्या चल रहा है फिलहाल। हिज होलीनेस दलाई लामा जी के जितने भी भक्त हैं, जितने भी उनको मानने वाले हैं, सभी बहुत ही निराश हैं, बहुत ही गुस्से में हैं, क्योंकि कुछ मन बुद्धि लोग और कुछ न्यूज चैनल वालों ने दलाई लामा जी के ऊपर कुछ गलत गलत बातें कही हैं, कुछ गलत न्यूज फैलाए हैं। तो जितने भी दुनिया में जितने भी उनको मानने वाले हैं, उनके भक्त हैं, सभी निराश हैं, सभी दुखी हैं। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि तवंग के यूट्यूबर्स को क्या हो गया है, इस बात पे वो लोग कुछ कह नहीं रहे, इस मुद्दे पे कुछ आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि मेरे अकेले के आवाज उठाने से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही छोटा यूट्यूबर हूँ, बहुत ही छोटा। मेरे पास बस 2000 सब्सक्राइबर्स ही हैं और उसमें से सिर्फ 0.1% ही मेरे यूट्यूब वीडियोज पे व्यूज आते हैं, बहुत मुश्किल तरीके से व्यूज आते हैं। तो शायद से मेरा जो वीडियो है, मैं अगर कुछ बोल भी दूं तो मेरा वीडियो उन तक शायद से ना पहुंच पाए। तो मैं एक सही मौके का इंतजार कर रहा था, तो वो मौका मुझे मिला, मैं उसमें शामिल हुआ। तवंग का सबसे बड़ा रैली, हिज होलीनेस 14 दलाई लामा जी के लिए जो सबसे बड़ा रैली हुआ हाल ही में, तो उसमें मैं ज्वाइन हुआ। सो अब मैं कह सकता हूं कि ये वीडियो उन तक पहुंचने के लायक बन चुका है, क्योंकि इस वीडियो में सभी तवंग वासियों का आवाज है। और हाँ, जो ये वीडियो देख रहा है, अगर आप भी दलाई लामा जी के साथ खड़े हैं और आप भी दलाई लामा जी को मानते हैं, तो इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि हमारे हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा कितने महान हैं, उनके कितने सारे भक्त हैं जो उनसे कितना प्यार करते हैं। वो गलत नहीं है, वो बस उस बच्चे के साथ बच्चा बन गए थे, वो बिल्कुल गलत नहीं है। जो वीडियो फैलाया गया है वो गलत है। आई एम स्टैंड विथ हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा, वी आर स्टैंड विथ दलाई लामा।
Thank you.